Hello, my dear friends. A very good afternoon to all of you. Welcome to Online Ventures by Examples. मैं हूँ जुबैर हसानी और आज के सेशन में हम जनरल साइंस के 50 इम्पोर्टेंट MCQs का जिक्र करने वाले हैं. तो बेहतरीन 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 2 बजे हमारा होता है थ्योरी का सेशन, जिसमें हम कोई एक टॉपिक लेकर आते हैं रोजाना, और सैटरडे और संडे में हमारा होता है प्रैक्टिस का सेशन. तो आज प्रैक्टिस की बारी है कि आप लोगों ने जो हमसे जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो 5 दिन पढ़ा है और जो पढ़ते रहे हैं, तो कितना सीखा है और आप का जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो कैसा है. दूसरी बात, इन क्वेश्चन से एक अंदाजा ये भी मिलता है कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं. तो बिल्कुल उसी अंदाज में क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में. तो इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है मुझे कि हाँ इम्पोर्टेंट हैं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं, उस तरह से क्वेश्चंस हम लोग लेकर आते हैं. तो 2 बज चुके हैं और हम लोग लाइव आ चुके हैं, तो अब तैयारी करते हैं आज के सेशन की. एक बार आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए. हमारे साथ राजवीर सिंह हैं, संतोष मेहर हैं, अरुण पाल हैं, अंकित हैं, सभी का स्वागत है. खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में. तो एक जो ऑफर हमारा चल रहा था, सबसे पहले उसके बारे में मैं बता दूं कि CDS 1 22 के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच था और OTA के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच था, जो आपको मिल रहा था 2999 में और 3499 में, तो वो क्रिसमस ऑफर के तहत इन तमाम कोर्सेज पर आपको 1000 रुपए का छूट मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है. जैसे जो 3499 में आ रहा था 2499 में मिल रहा है CDS का बैच. OTA के लिए जो हमारा बैच था 2999 में, वो अब आ रहा है 1999 में. और ये ऑफर सिर्फ आज की रात, क्रिसमस का आज मौका है. तो सबसे पहले तो सभी को मैं क्रिसमस की बधाइयां दे दूं कि बहुत बहुत मुबारक हो ये फेस्टिवल सभी को. तो आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, फिर आपका जो है इसी प्राइस पे आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा. दूसरी बात कि 2499 में भी आपको ZUEH10 कोड अप्लाई करने पर इस पर भी आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलने जा रहा है. सिर्फ कब? आज रात 12 बजे तक ये ऑफर क्या है, वैलिड है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए. तो आप लोगों तक ये बातें पहुंचा दीजिए. जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे और अपनी सफलता सुनिश्चित करवाना चाहते हैं, वो जरूर इस कोर्स को लें. आगे इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल has a higher concentration than the cell. जैसे सपोज करो कि ये कोई लिक्विड है और इसमें एक सेल रखा गया है, ओके, और बोल रहा है कि इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल इज हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन है, जिस मीडियम में रखा गया उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. सेल के अंदर भी लिक्विड होती है जिसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये लोअर कंसंट्रेशन पे है. तो सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा कि सेल के से पानी बाहर निकलेगा? तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन है और यहां पर अंदर का जो सॉल्यूशन है, सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो लोअर कंसंट्रेशन पे है ना. तो वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा. सेल से वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा. बात समझ में आ रही है? क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहने का मतलब यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है. तो सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. तो यहां पर जो है वो द सेल विल लूज वाटर, ठीक है, डी शुड बी द राइट आंसर. बिल्कुल संतोष का उत्तर आ चुका है. लक्ष्य जैन कैसे हैं? अनुज कुमार का उत्तर आ चुका है,
बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में रेड लिखते हैं, लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स टू इट्स सरफेस। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर उसका जो अपियरेंस होता है वो रफ होता है। किसके अटैचमेंट की वजह से, इसके सरफेस पर क्या जुड़ा रहता है? इसके सरफेस से अटैच्ड होते हैं सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। रिस्पॉन्ड करें, बहुत हल्का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है रेयर और दूसरा कहलाता है सेर। रेयर कहने का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेर कहने का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस हैं? तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर या सरफेस से राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो इसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसका जो अपीयरेंस है वो रफ दिखेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेयर। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस से राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, सो ये स्मूथ दिखता है। तो अगर राइबोसोम सरफेस से अटैच्ड है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने दोनों के फंक्शंस भी बता रखे हैं, सेल ऑर्गेनल्स मैंने एक टॉपिक ही कर रखा है अभी कुछ दिन पहले। राइट आंसर शुड बी राइबोसोम्स। मुझे खुशी इस बात की है कि सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है। अंजू कुमारी, अजय, नेहा खत्री, लक्ष्य, अजय यादव, प्रख्यात साहब, संतोष मेहर, अनुज कुमार, वशिष्ठ, शिफाली और नोरीन और महेंद्र कुमार, बहुत खूब, सारे लोगों का उत्तर सही है। थर्ड पे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू। प्लांट टिश्यू एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, वहीं से ये क्वेश्चन है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तना और जड़ों की लंबाई कौन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मेरिस्टेम्स होते हैं? लैटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखो, जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं वो रूट अपेक्स पे और शूट अपेक्स पे पाए जाते हैं, जड़ों के शीर्ष पर और तना के शीर्ष पर, इसीलिए इसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये स्टेम का लेंथ बढ़ाएंगे, रूट का लेंथ बढ़ाएंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक कहाँ पे पाया जाता है? शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पे, तना के शीर्ष पर और जड़ों के शीर्ष पर। और ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं प्लांट की लेंथ। और प्लांट का लेंथ जब इंक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि। तो प्राइमरी ग्रोथ में या प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है कौन? एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम आप जानते हैं कि तना या जड़ों के किनारों में पाए जाते हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं, और ये प्लांट का गर्थ इंक्रीज करते हैं, मोटाई बढ़ाते हैं, और गर्थ इंक्रीज करना कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपको पता है, अभी अभी 14 नवंबर का जो एग्जाम हुआ था, पूछा था इसकी लोकेशन के नोड्स पे और इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं, पत्तियों के आधार पे, फूलों के आधार पे पाए जाते हैं, और इंटर नोड का लेंथ बढ़ाते हैं या दो नोड के बीच का लेंथ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी था, है ना। बहुत ही खूबसूरती से मैंने ये टॉपिक कई बार पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर जाइएगा, मजा आ जाएगा पढ़कर आपको, ठीक है। सो सी शुड बी द राइट आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इन प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। पादप कोशिकाओं में स्फीति एवं कठोरता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि किससे भरा होता है? सेल सैप से। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सैप, कोशिका रस।
और इस कोशिका रस में सेल सैप में क्या होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, आयंस होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो होता है बिल्कुल टर्जिड रहता है, टाइट रहता है। तो जो वैक्यूल्स हैं, जो रिक्तिकाएं हैं, उसका काम क्या है, एक तो वाटर, मिनरल, शुगर, आयंस स्टोर करने का काम है, अमाइनो एसिड्स स्टोर करने का काम है। दूसरा, ये प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं, इसकी वजह से प्लांट सेल या एनिमल सेल टर्जिड रहता है। सो राइट आंसर शुड बी डी, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया है, बहुत खूब। नौ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पराग कणों का निर्माण कहाँ पे होता है, कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन, तो आप जानते हैं कि प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहलाता है स्टैमेन। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहलाता है स्टैमेन, और स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं। स्टैमेन कहने का मतलब पुंकेसर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और इसके दो पार्ट हैं एंथर और फिलामेंट। पता ही होगा एंथर, और ये जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाता है आपका फिलामेंट, तंतु। इस एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ये क्या है आपके पॉलन ग्रेन्स है या पॉलन्स है। सो राइट आंसर शुड बी योर एंथर, ओके। सो डी विल बी द राइट आंसर। आदित्य सिंह सर, आपका नंबर चाहिए मुझे। अच्छा, क्या कुछ खास बात है करनी मुझसे? एमडी यारफीन रजा भी हमारे साथ हैं, फिफ्थ का डी कहा है इन्होंने, प्रख्यात साहब हैं, वशिष्ठ हैं, नेहा खत्री हैं, सारे लोगों ने। नहीं, स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाल्क और ओवरी, है ना। प्लांट रिप्रोडक्शन मैंने सेशन लिया है, जाएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, बोलता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको पढ़िए, मतलब 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको पढ़कर आपको बताना है कि उनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, एंड द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय व्हाट, रॉबर्ट ब्रॉन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्रॉन ने की, यह है बायोलॉजी में, लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड। यहाँ पे बायो की बात चल रही है। प्लांट सेल्स जनरली हैव लाइसोसोम्स, प्लांट सेल्स में जनरली लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो देखो, प्लांट सेल में जनरली लाइसोसोम नहीं होते, जनरली अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल में जनरली लाइसोसोम्स नहीं होते, है ना। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी शुड बी द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्पिरिट, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। योर ऑप्शंस आर मिथेनॉल, इथेनॉल, फॉर्मलडिहाइड, एसिटल्डिहाइड। विच वन इज नोन एज वुड स्पिरिट, टेल मी। देखो, जो इथेनॉल है, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला है C2H5OH, दिस इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है ना, इसी को स्पिरिट भी कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा मिथेनॉल है, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला है CH3OH, इसे हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इसको याद रखना। और यही है जहरीली शराब, पीने वाला शराब है हमारा इथाइल अल्कोहल, इसे हम लोग पी सकते हैं और नशा सा आ जाता है इसे पीने के बाद। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल की जगह गलती से मिथाइल अल्कोहल बन गया या मिथेनॉल बन गया, तो यही जहरीली शराब हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज में कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो जो भट्टी में शराब बनाते हैं, गांव देहातों में ठेके पे शराब बनाते हैं,
वो बनने के बाद टेस्ट नहीं करते कि ये C2OH है कि CH3OH है, और उसको अगर पी लिया किसी ने तो उसकी मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि जैसे ये मिथेनॉल आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी के लीवर में जाकर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना लेता है? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है, बिल्कुल जमा देता है। जिस तरह से एग को बॉयल करने पर, एग को बॉयल करने पर उसका सारा प्रोटोप्लाज्म जम जाता है, उसी तरह से ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, हमारे सेल के पूरे साइटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है, जमा देता है, और आदमी की डेथ हो जाती है। कोई चारा नहीं है। कम आपने पिया है तो ये ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है। कम पिया है तो अंधा हो जाता है, ज्यादा पीने से मर जाता है। तो बेटर है कि ज्यादा पी लो, अंधे रहकर क्या करोगे, है ना। तो इन सभी पहलुओं पे आपको गौर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ए था। सारे लोगों ने ए उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नंबर चाहिए आदित्य सिंह, ठीक है ले लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करेगा? टिंडल इफेक्ट आप समझते हो ना, कि जब स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों पर जब लाइट पड़ती है, तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं या फाइन पार्टिकल्स हैं, ये लाइट को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, और इस बिखर जाने को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? परकीर्णन, बिखर जाना। बिखर जाने को हम स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग की वजह से ही आपने देखा होगा कि खिड़की खुली हुई है, उससे लाइट आ रही है तो उसका पाथ आपको दिखता है। छप्पर में सुराख है, लाइट आ रही होती है, उसका पाथ आपको दिखता है, और उसमें तैरते हुए पार्टिकल्स भी दिखते हैं। तो कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्स्ड विद वॉटर, लाइम जूस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्स्ड विद वॉटर, स्टार्च सॉल्यूशन। तो लाइम जूस जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। इसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे लाइम जूस हो गया, जैसे कि आपने वाटर में नमक मिक्स कर दिया, वाटर में शुगर मिक्स कर दिया, तो ये सब ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, उसके पार्टिकल्स 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं, सो वो लाइट को बिखेरने की शक्ति रखते हैं। जैसे पानी में आपने मिल्क मिक्स कर दिया, ये क्या बन गया? कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। चॉक का पाउडर है, ये सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, और इसके पार्टिकल्स तो और बड़े होते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन। तो ये सब के सब टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। So when scattering of light takes place by colloidal particles, then this is called Tyndall effect. Tyndall एक साइंटिस्ट का नाम है, है ना? तो अगर लाइट को स्कैटर कर रहे हैं क्या, colloidal solution में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं क्या? Tyndall effect। तो सही उत्तर आपका बी था। Now, तो यहाँ पे आपको ये पकड़ना रहेगा कि कौन ट्रू सोल्यूशन है, वो Tyndall effect शो नहीं करेगा, बाकी करेंगे। Now, question number 9 पे आते हैं जल्दी से। Which of the following are the most favorable conditions for liquefying a gas? एक गैस को लिक्विड बनाना है, एक गैस को लिक्विड बनाना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया फेवरेबल कंडीशन क्या है? हम प्रेशर को लो कर देंगे और टेम्परेचर को हाई कर देंगे, प्रेशर को लो कर देंगे, टेम्परेचर को भी लो कर देंगे, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हाई और प्रेशर को भी हाई, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखो, ये जो लिक्विड है, सॉरी गैस है, उसे हमें लिक्विड बनाना है, मतलब इनके बीच की दूरी को कम करना होगा। पार्टिकल्स के बीच की दूरी को कम करेंगे तभी तो लिक्विड बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, दैट इज डी शुड बी द राइट ऑप्शन। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। High pressure and low temperature will be the right answer. So option D should be the right option.
प्रख्यात एमडी याफरीना रजा और मनीष कुमार, लक्ष्य महेंद्र कुमार और रियो बत्रा साहब हैं हमारे साथ, नवंत है, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया इस बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सभी को, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छी तैयारियां आपकी लग रही हैं। नौ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलता है कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इनको आप किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका निष्कर्षण, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो किसके थ्रू होगा। जैसे एल्युमिनियम को मान लिया, सपोज लिखा है कि बॉक्साइट से, ओर से निकाला जाता है। आयरन को मैग्नेटाइट, ओर से निकाला जाता है। कॉपर का ओर है मैलाचाइट और जिंक का है कैलेमाइन। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ऑप्शन यही सही लग रहा है, ए सही है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही है, कॉपर का ओर है मैलाचाइट और जिंक का है कैलेमाइन। कैलेमाइन समझते हो, जिंक कार्बोनेट को हम कैलेमाइन कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेमाइन। ये जिंक का ओर है, लेकिन अगर कैलेमाइन सॉल्यूशन बोला जाता है ना, तो उसका मतलब अलग हो जाता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है बेकिंग सोडा को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, खाने वाला सोडा को पानी में घोल दिया, तो ये कहलाता है कैलेमाइन सॉल्यूशन। लेकिन कैलेमाइन सिर्फ बोला जाता है तो ये जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलेमाइन कहते हैं। मैलाचाइट आप जानते होंगे क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखना। तो सही उत्तर आपका ए था। बॉक्साइट का मतलब होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नेटाइट का मतलब है आयरन ऑक्साइड Fe2, Fe3O4। मैलाचाइट का मतलब क्या है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड को मैलाचाइट कहते हैं, Co2, Co3, OH2, है ना। ये मैलाचाइट है, यानी मैलाचाइट कॉपर का ओर है और कैलेमाइन आपको बताया मैंने जिंक का ओर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत खूब। हमारे साथ हैं दीप साहब, हेलो कह रहे हैं, स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, एकदम आराम से दिमाग को शांत रखकर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये एसिड में पाया जाता है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, बताओ किसमें ये ग्रुप नहीं होगा, बताइए। मनीष कुमार, अंजू, बिल्कुल क्लियर होगा। सिर्फ ये नहीं, मंडे टू फ्राइडे जो हमारा थ्योरी का सेशन होता है और सैटरडे या संडे को हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, तो मंडे टू फ्राइडे ये 2 बजे आपको आना पड़ेगा उसके लिए। और उससे भी अगर आपको संतोष नहीं मिल रहा है तो हमारे पेड बैचेस हैं, उसमें आ जाइए। तो सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी है, विटामिन सी है ये। बाकी सिट्रिक एसिड में तो होगा, लैक्टिक एसिड में होगा, टार्टारिक एसिड में होगा, है ना। सो राइट आंसर शुड बी डी, दिस इज विटामिन सी। नॉट कंटेन पूछ रहा है, नॉट कंटेन, समझ में आ गया, सारे लोगों का गलत हो गया। मैंने कहा था ना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां आपसे हो गई। नाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशामक होता है, उनमें क्या होता है। आपने देखा होगा जब आग लगती है तो इस तरह का एक सिलेंडर होता है, उसको ले जाते हैं, उससे गैस निकलती है CO2 और आग बुझा देती है। तो मैंने बोला था कि आग लगाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, आग लगाता है, और CO2 जो है वो आग को बुझाता है। तो दुनिया में अगर कोई आग लगाने वाला होता है तो बुझाने वाला भी दिया गया है, तो ये आग बुझाता है। तो हमें देखना है कि CO2 कौन निकालेगा, ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट देन हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड।
लेकिन नाइट्रिक एसिड देखो कभी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, ये एक्सेप्शन है, मैंने पढ़ा रखा है एसिड बेसिस और सॉल्ट में, तो नाइट्रिक एसिड को हटा दो। अब यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, तो जो रहता है एक्चुअली वो यही रहता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जब इनमें रिएक्शन होता है तो CO2 गैस निकलती है और फिर आग बुझा देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करता है किसी मीडियम से, तो कौन सी क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, मटेरियल ऑफ द मीडियम, मीडियम का मटेरियल ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वेव को, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ध्वनि जो तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो जब कोई भी तरंग किसी मीडियम में जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह को क्या ले जाती है, किसको ले जाती है, एनर्जी को, मटेरियल और एनर्जी दोनों को, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है वेव्स में कि वेव क्या, एक डिस्टर्बेंस है, एक विक्षोभ है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कैरी करती है, केवल एनर्जी, मटेरियल को कैरी नहीं करती, सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो ये जो है वेव्स की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिर्फ ये क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि सपोज करो कि यहाँ पर एक टीचर है, उसके हाथ में एक मार्कर है और इस मार्कर को इस रूम के कोने तक पहुंचाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसने अपने वाले सामने वाले स्टूडेंट को दिया, इसने क्या किया, अपने सामने वाले स्टूडेंट को दिया, इसने अपने सामने वाले को, इसने अपने सामने वाले को, कोई भी बंदा अपनी जगह से मूव नहीं किया, और क्या हुआ, क्या हुआ कि ये मार्कर यहां तक पहुंच गया। ठीक उसी तरह से जो है वेव्स में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। काफी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया था और इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 235 इज, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होंगे, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 92 और एटॉमिक मास होता है 235। तो मैंने आपको बताया था, ये सपोज करो कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, तो किसी एटम का अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, हम बता सकते हैं कैसे। देखो किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और जाहिर सी बात है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए आपको ए माइनस जेड करना होगा, ए माइनस जेड मतलब मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देना होगा। तो 235 माइनस 92 कर दो, कितना आ रहा है, वो आ जाएगा आपका 143। अनुज प्रख्यात मुपूसा कोई हैं, महेंद्र हैं, अजय हैं, अंकित हैं, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया है इस बार, क्या बात है। सो राइट आंसर शुड बी सी। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, एक न्यूमेरिकल है, एक स्नोबोर्ड है जिसे पुल किया जा रहा है एक रस्सी के सहारे, किस रेट से, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ, माउंटेन पे ऊपर की तरफ। अगर इसको खींचने में 3000 वॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा, एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर पर सेकेंड की दर से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, यदि 3000 वाट की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है उसे खींचने में तो कितना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसी से आपको उत्तर निकालना है। सबसे पहले वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। पावर दे रखा है 3000 वॉट। अब देखो
पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो गया, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य। और अपॉन टी तो यहां था ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, फोर्स गुना वेलोसिटी। अब यहां पे वेलोसिटी दे रखा है, पावर दे रखा है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? पावर बटा वेलोसिटी। पावर कितनी दे रखी है? 3000 वॉट, और वेलोसिटी है 5। ये 6 बार में आ जाएगा, यानी 600 न्यूटन, 600 न्यूटन सही उत्तर हो गया। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि पावर होता क्या है। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। कोई मशीन या कोई भी एजेंट इकाई समय में जितना वर्क करती है। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम, फॉर्मूला में था, टाइम से डिवाइड किया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाती है वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि पावर होता है फोर्स गुना वेलोसिटी, तो फोर्स हो जाएगा पावर बटा वेलोसिटी। कोई शक है किसी को? शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आईने की तरह क्लियर है। और अभी अभी वर्क, पावर और एनर्जी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, 2 हफ्ते पहले शायद पढ़ाया है, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ये डेरिवेशन मैंने कर रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कौन सत्य नहीं है? नॉट को पहले हम देखेंगे। कई कई बार क्या होता है, नॉट की जगह हम सही ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि जो गलती मैंने करी है ना, वो आप एग्जाम में मत करिएगा। तो नॉट को हम पहले क्या करेंगे? अंडरलाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एक सीरीज किया है मैंने, एक यूट्यूब सेशन किया है, उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, आयांतरिक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में या एयर में सेम स्पीड से चलेंगे, लाइट की स्पीड से, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा मैंने पढ़ा रखा है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या? कोई भी वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर होने की वजह से ये पोलराइज हो सकता है। आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है कि पोलराइजेशन किस में होता है? सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन तो होता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, यही आपका गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, हम आगे भी पढ़ाएंगे और पहले भी पढ़ा रखा है साउंड का, जब मैं टॉपिक लाऊंगा। तो यही गलत पूछ रहा था ना, तो महा गलत है आपका सी। फिर है डी को चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं, तभी तो कहला रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो सी जो था झलक रहा है कि वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है और उसके लिए कोड भी आपको बताया था। बताइए आप, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ इसका सही उत्तर। बताइए मनीष, प्रख्यात, ए रहमान, प्रियोव्रत, महेंद्र, लक्ष्य, नसर अकवाल, अंकित, लक्ष्य, अंजू, अजय, महेंद्र, जो भी लोग लाइव हैं वो रिस्पॉन्ड करें। एक कोड मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, पढ़ाया होगा मैंने कि गामा जो है गामा एक्सयूवी से इंदौर मिलने गया रानी से, है ना। गामा एक गामा पहलवान है, एक्सयूवी एक कार होती है। गामा जो है वो एक्सयूवी से इंदौर मिलने गया है रानी से, यानी गामा से हुआ गामा वेव, एक्स से हुआ एक्सरे, यू से हुआ अल्ट्रा वायलेट, वी से क्या हुआ विजिबल, यही है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जितना पार्ट हम देख पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट या लाइट। IR से इंफ्रा रेड, MI से माइक्रो, RA से रेडियो वेव। तो गामा, एक्सरे, UV, विजिबल, इंफ्रा रेड, माइक्रो, रेडियो, है ना। गामा, XUV से इंदौर मिलने गया रानी से। तो ये लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितना पोर्शन हम देख पाते हैं उसी को तो लाइट कहते हैं। रेडियो वेव है ही, माइक्रोवेव है ही, कौन है, साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सो सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, हीरे की चमक की वजह होती है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, आसान सा क्वेश्चन है, इट इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हजारों बार पढ़ा रखा है। सो डी शुड बी द राइट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्यों TIR होता है, कब TIR होता है, उसके कंडीशंस क्या क्या हैं, इसके अलावा TIR से संबंधित और कौन कौन से फेनोमेना है, बहुत ही बार पढ़ा रखा है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो, फ्रियोफाइट्स आर द प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन। फ्रियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो किस तरह के परिस्थिति में रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं। टेल मी गाइस, फ्रियोफाइट्स आर द प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट्स। क्या ये नम छायादार स्थानों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, रॉकी एनवायरनमेंट, चट्टानी वातावरण में, एरिड एनवायरनमेंट मतलब शुष्क वातावरण में, एक्टिव वोल्केनिक लावा वाले वातावरण में। तो देखो, फ्रियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो एरिड एनवायरनमेंट में यानी शुष्क वातावरण में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहराई तक जाती हैं कि वाटर टेबल से भी नीचे चली जाती हैं ये पानी की तलाश में। सो वो पौधे जो शुष्क वातावरण में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक मिट्टी में वाटर टेबल के नीचे तक चली जाती हैं, ऐसे पौधों को हम फ्रियोफाइट्स कहते हैं। सो फ्रियोफाइट्स आर द प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन एरिड एनवायरनमेंट। फ्रियोफाइट्स आर द डीप रूटेड प्लांट्स टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ग्राउंड। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर डिराइव्ड वाटर फ्रॉम द फ्रियेटिक जोन बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे जो जोन है उसको हम फ्रियेटिक जोन कहते हैं, यहां तक इसकी जड़ें घुस आती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रियोफाइट्स। ये जो नाम फ्रियोफाइट्स आया है वो यहीं से आया है। So please remember, right answer should be C, my dear friends. Very important. Now let us move to next question. उससे पहले हमारा जो batches आ रहे थे आज तक ही ये offer valid है। 3499 में जो CDS का batch आ रहा था वो 2499 में मिल रहा है, और 2999 में जो OTA का batch है वो 1999 में आपको मिल रहा है, और इन सभी courses पर additional 10% discount आप इस code को apply करके use कर सकते हैं। ZUEH10 इस कोड को अप्लाई करने पर इन पे भी आपको 2499 और 1999 पे भी जो अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जीव है। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं ना। पहला फाइलम है पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा। बताइए सिलेंट्रेटा से कौन कौन से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं। प्लानेरिया, लीवर फ्लूक। प्लानेरिया और लीवर फ्लूक आप जानते हो ये फ्लैट वर्म्स हैं, चपटी कृमि हैं के उदाहरण हैं। एनिमल किंगडम मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पर देखिएगा जाकर। सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर, हाइड्रा एंड सी एनिमोन, यू प्लैक्टीला एंड साइकॉन। अब देखो ये जो सी अर्चिन है और सी कुकुम्बर है ये आप जानते हो कि इकैनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं। हाइड्रा और सी एनिमोन यही क्या है सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाले हैं। यू प्लैक्टीला और साइकॉन क्या है, ये फंजाई से बिलोंग करने वाले हैं। यू प्लैक्टीला और साइकॉन ये क्या है, फंजाई है, स्पंज है, सॉरी ये आपका पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं, और पॉरीफेरा से बिलोंग करने वाले जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, स्पंज कहते हैं। सो यू प्लैक्टीला फ्रेश वाटर स्पंज है।
स्पंज जनरली मेराइन होते हैं, समुद्री वातावरण में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन यूप्लैक्टिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। यूप्लैक्टिला जिसे हम वीनस फ्लाई फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ये आप जानते हैं इसे जापान में शादी विवाह में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये जाके पढ़ लीजिएगा एनिमल किंगडम, अभी जो रिसेंट मैंने पढ़ाया उसमें इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा से जो बिलोंग करेगा वो कौन है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये सी होगा, यहाँ पे डी दे रखा है गलती से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट बी रेफर्ड टू एज, आपने देखा होगा कि आपके खिड़की पर गमले में पौधा रखा हुआ है तो उसका उसकी जो शाखाएं हैं उसका जो तना है वो लाइट की तरफ झुकता चला जाएगा। तो प्लांट का जो तना है जो शूट है वो लाइट की तरफ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं और फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। तो प्लांट के मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, दूसरा नेस्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि प्लांट के पार्ट्स किसी स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं या उससे दूर भागते हैं। तो किसी स्टिमुलस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव कहलाएगा, उससे दूर भागेंगे तो नेगेटिव। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ की शाखाएं हमेशा लाइट की तरफ जाती हैं, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, लेकिन जड़ हमेशा लाइट से दूर भागती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। तो तना जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन जड़ें जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की तरफ शो करती हैं, हमेशा वो लाइट से दूर जाएंगे। सो राइट आंसर शुड बी बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैपिंग, ये जो रूट है और रूट के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस वाले सेल्स, ये जो पहला लेयर होता है प्लांट में वो कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को रूट से निकलने वाली छोटी छोटी जो रचनाएं होती हैं इस तरह से हेयर लाइक, इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स, एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन, ये जो वाटर एब्जॉर्ब होगा उसके एरिया को क्या कर रहे हैं, रूट हेयर इंक्रीज कर रहे हैं। और रूट हेयर क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स, जो एपिडर्मस के एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर रूट हेयर बनाते हैं। सो राइट आंसर शुड बी बी, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखिएगा, क्वार्ट्ज जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज या सिलिका कहते हैं। तो पूछ रहा है इसमें क्या होता है, तो उत्तर हो गया सिलिकॉन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें तो सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉटर सॉफ्टनिंग, वॉटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है जल को शुद्ध करने में, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, बताइए। तो आप जानते हैं कि वॉटर की हार्डनेस दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को, वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को हम वाटर को बॉयल करके दूर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के कई तरीके हैं, कालगन प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज मेथड है, जियोलाइट प्रोसेस है। तो एक केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का इस्तेमाल करके जल की जो परमानेंट हार्डनेस है, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका था सी। तो देखो Na6P6O18, इसका नाम क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको हम कालगन भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर,
जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसका नाम कालगन है, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम कालगन प्रोसेस भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो था वो सही उत्तर था। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है टेम्पररी हार्डनेस, है ना, दूर नहीं किया जा सकता उसकी वजह से। आगे चलते हैं। अगर कोई फॉर्मूला है सोडियम सॉल्ट का जिसमें एनायन को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है और वो फॉर्मूला है Na2X, देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्युमिनियम सॉल्ट विल बी, बताइए फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन एक्स इज Na2X, देन द फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्युमिनियम सॉल्ट विल बी। अब देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और यहां पर ये एनायन है वो एक्स है, जैसे आपने NaCl अगर लिखा है तो आप जानते हो कि NaCl आपने कैसे लिखा होगा, यहां पर केटायन Na है, इसकी वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हो गया NaCl हो गया। तो इफ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन, सोडियम सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है NaCl है, सॉरी NaX है, इसका मतलब क्या रहा होगा कि इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1 क्या हो गया, बन गया NaX, सॉरी Na2X है ना, Na2X है। क्या बोल रहा है, इफ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एनायन एक्स इज Na2X। अब यहां से आपको एनायन का वैलेंसी पता चल जाएगा, कैसे, अगर हम बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, और यहां पे जो दे रखा है एक्स, इसकी वैलेंसी अगर 2 हो तभी फॉर्मूला क्या बनेगा Na2X। यहां से आपको जो एनायन है उसकी वैलेंसी पता चल गई 2। अब एल्युमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला बनाना है तो कैसा बनेगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और यहां से एक्स की वैलेंसी आपने इस फॉर्मूला से निकाल ली 2, तो क्या बन गया आपका Al2X3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूं। सोडियम सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है Na2X, इसका मतलब क्या है, सोडियम की वैलेंसी कितनी रही होगी 1 और इसकी वैलेंसी कितनी रही होगी 2, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो फॉर्मूला आया Na2X, इसका मतलब एनायन की वैलेंसी 2 हो गई। अब एल्युमिनियम सॉल्ट की निकालना है फॉर्मूला, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और एक्स की वैलेंसी यहां से आपको पता चल गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Al2X3 आपका आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑप्टिकल फिनोमेनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो अभी आपको बताया था मैंने TIR, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, TIR पे काम करते हैं, लाइट इसमें एक बार गई तो वापस नहीं निकलती, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट ऑप्शन। बहुत खूब, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 को आराम से पढ़िएगा, आराम से उत्तर दीजिएगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज करेक्ट। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। तो बोलता है कि बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंसेस। कोई भी माइक्रोस्कोप है, यहां पर आंख के पास जो लेंस यूज होता है उसको हम आईपीस कहते हैं, और यहां पर एक और सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, ये ट्यूब एक दूसरे में स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं।
और यहां पर जो लेंस होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और यहां पर रखा हुआ है कोई सैंपल, इससे हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे। तो जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों में ही कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो मैंने ही बता दिया। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करो, ठीक है। बोलता है द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को इंक्रीज करने पर मैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज करता है किसका, माइक्रोस्कोप का। अब आपको इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप का, है ना। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी बात हो रही है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही आईपीस और ऑब्जेक्टिव होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही लेंस होता है। तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ ओ और डी अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, एफ ई क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ। यानी जो मैग्निफिकेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन घटेगा। तो माइक्रोस्कोप में बस ये याद रखना है कि मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ, गलत हो गया। माइक्रोस्कोप की अगर बात करते हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। अब देखो तीसरा देखना, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब। माइक्रोस्कोप ट्यूब के लेंथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो फॉर्मूला में एल है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर है द आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज अ कॉनकेव लेंस। आई पीस जो माइक्रोस्कोप का होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, गलत है। जब यहाँ पे यही, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं तो ये तो गलत हो गए। तो सही जो आपका उत्तर हो गया, आंसर हो गया आपका वन और थ्री, वन एंड थ्री शुड बी द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है और फोकल लेंथ आई पीस पे डिपेंड कर रहा है। टेलीस्कोप का क्या होता है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। अगर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, आई पीस का फोकल लेंथ बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन घटेगा। तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, जब भी यहां से क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला को देखकर आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला दो याद रख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेम स्टोन्स कंटेन्स बेरिलियम मेटल। निम्नलिखित में से किस रत्न में बेरिलियम धातु होता है, जल्दी बताओ। किस रत्न में बेरिलियम धातु होता है, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ब्लू, सैफरे, मतलब नीलम। सही उत्तर इसका मैं बता देता हूं, वो है एमराल्ड, है ना। मतलब पन्ना में क्या होता है, बेरिलियम मेटल होता है, उसको याद रखना है। नौ, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। लोअरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम घटा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स बॉयल, बॉइलिंग का टाइम बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम घटा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सही उत्तर है बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, ठीक है। नौ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिस्ट वन में कुछ जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिस्ट टू में उसके साइंटिफिक नेम है। अब इसको मैच करके सही कोड को उत्तर करिएगा। जैसे मैन का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी साइंटिफिक नाम क्या है, तो मैन का आपको पता ही है होमो सैपियंस सैपियंस होता है। कैट का देख लो, फैलिस डोमेस्टिका। काउ का बॉस इंडिकस और डॉग का कैनिस फैमिलरिस।
तो कैट का जो सही साइंटिफिक नेम है वो फेलिस डोमेस्टिका ही है। काऊ का बॉस इंडिकस है, और डॉग आप जानते हैं कि फैमिली में बहुत घुला मिला रहता है, तो डॉग का क्या होता है, कैनिस फैमिलरिस। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सब मिला हुआ है, ये सही है। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, मतलब ए जो है वो सही उत्तर है। तो इसको याद कर लेना, कम से कम इतना साइंटिफिक नेम तो याद रखना चाहिए आपको, कुछ ऑर्गेनिजम्स का तो याद ही रख लेना चाहिए, तो इसको याद रख लेना। आदमी का अपना तो पता ही होना चाहिए, होमो सेपियंस हम लोग हैं। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है ना, और काऊ का बॉस इंडिकस, और डॉग है फैमिलरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, और सारे ऑप्शंस को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, और आपको पता क्या करना है कि इनमें करेक्ट कौन सा है। बोलता है कि प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का निर्माण कोशिका झिल्ली में होता है। नाउ बी को देखते हैं। प्रोटीन जो होता है हमारे सेल्स में, हम लोग भी मैमल्स हैं तो हमारे सेल्स की भी बात कर सकते हैं, आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड। हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो सकता, ये हम डायरेक्ट फूड से लेते हैं। नाउ प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है। नाउ प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी एपरेटस। तो अभी आपको पढ़ाया था मैंने कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस से अटैच्ड होते हैं आपके राइबोसोम्स, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सो सही उत्तर आपका हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, है ना, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है कौन, राइबोसोम, एंड राइबोसोम्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। आकाश कह रहे हैं कि लेक्चर ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं आकाश क्या इसमें इश्यू आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज इन प्लांट्स इज करेक्ट। पादपों में जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन एक्वायर्स एनर्जी। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मटेरियल का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है उसमें एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, स्पेशली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ये अपने आप जाता है। लेकिन हाँ उल्टा हम करेंगे तो आपको एनर्जी देने पड़ेगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर हम मटेरियल का ट्रांसपोर्ट चाहते हैं तो उसमें आपको एनर्जी लगती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो गया, इसका मतलब बाकी वाहियात ऑप्शन होंगे। ठीक है आगे चलते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन। कोई सिंपल पेंडुलम है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक देखो मैंने सेशन लिया है सिंपल पेंडुलम का, एक सेशन लिया है मैंने सिंपल पेंडुलम के नाम से, यूट्यूब पर उसको जाकर देखिएगा। मैंने कहा था कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन पेंडुलम के बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। मान लिया पेंडुलम का बॉब का मास है m, इसका लेंथ है l,
तो एल पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता। सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल सही है। डिपेंड्स ऑन द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, निहायत ही गलत है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, देखो एम्पलीट्यूड कहीं आ रहा है फॉर्मूला में, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। तो सही उत्तर हो गया आपका 1 and 2 ओनली। सॉरी, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डज नॉट, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन तो सही है ना। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द, हाँ तो ये गलत हो गया, मास पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम तो गलत हो गया। डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, बिल्कुल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया ना, ये ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब है कि सही आपका हो गया 1, 2 और 4, ऐसा कोई होना चाहिए 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन हो गया। तो इसमें सही ऑप्शन चुनना था आपको, है ना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया, और चौथा भी सही है कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो सही 1, 2 और 4, ठीक है, समझ में आया कुछ। चलो, द लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेज, बताइए। तो लेजर का फुल फॉर्म बताना है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइए। अमित, ए रहमान, राज, राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र, लक्ष्य, बताइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपके नेटवर्क में कोई इश्यू होगा। भोला साहब बताइए, इसका सही उत्तर होगा ए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सो ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर करेक्ट, करेक्ट पे हम घेरा लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कौन से कथन जो है वो सत्य है। बोलता है सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन वॉटर, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर, जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं, जो सिंपल वाले होते हैं वो सोल्युबल होते हैं। नाउ द एसिडिटी ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन, जो एसिडिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है उसके नंबर पे डिपेंड करता है। तो ये तो तीसरा तो बहुत गलत है, क्योंकि एसिडिटी डिपेंड करती है किस पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, तो ये तो खत्म हो गया। पहला जो है वो सही है कि जो सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सोलेबल होते हैं, ठीक है, और एसिडिटी डिपेंड करती है कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर पे, तो ये गलत है। तो सही उत्तर इसमें आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक। आगे चलते हैं, दो लिस्ट को मैच कर लीजिए और सही उत्तर दीजिए। एक लिस्ट में आपको बीमारियों के नाम है और दूसरी लिस्ट में उसके एजेंट के नाम है कि ये बीमारी किससे होती है, और सही मैच करके आप टिक करिएगा सही उत्तर को। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, फिर से आगे आपके स्क्रीन पे। लेप्रोसी, मिजल्स मतलब खसरा, लेप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग, मिजल्स का मतलब खसरा, कालाजार का मतलब कालाजार, एथलीट फुट का मतलब एथलीट फुट। तो कोढ़ की बीमारी जो लेप्रोसी होती है वो एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। मिजल्स यानी खसरा एक वायरल डिजीज है, एथलीट फुट एक फंगल डिजीज है, एथलीट फूट एक फंगल डिजीज है, और कालाजार एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है, है ना। तो ए का आपका हो गया 3, और 3 आ रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना है ना। बाकी मैंने मैच कर ही दिया है, देख लीजिएगा।
चलिए दो लिस्ट फिर से आ गए हैं आपके स्क्रीन पे और दोनों को मैच करके आपको सही कोड को टिक करना है। जैसे यहाँ पे है एग्रोफॉरेस्ट्री, हाइड्रोपोनिक्स, पोमोलॉजी, पाइलिनोलॉजी। जल्दी बताइए क्या होता है, इनके मतलब क्या होते हैं। पोमोलॉजी का मतलब मैंने पढ़ा रखा है कि ये स्टडी ऑफ फ्रूट्स होती है। पाइलिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पाइलिनोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, और जो फ्लावर्स का अध्ययन है वो मैंने क्या पढ़ा रखा है, फ्लावर्स का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। सीड्स का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी का मतलब स्पर्म का अध्ययन नहीं, सीड का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके हेल्प से हम बिना मिट्टी का प्लांट ग्रो कर लेते हैं। प्लांट में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी का हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, एक घोल बना लिया और उसमें पौधा लगा लिया। दैट इज सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो प्लांट ग्रो करना किसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम में, ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। और एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो अब देख लो कि कौन सा उत्तर हो रहा है, यहां पे उत्तर आपका आ रहा है ए बनकर, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट ऑप्शन। एक और लिस्ट वाला आ गया, दो लिस्ट है हमारे। लिस्ट वन में एनिमल्स हैं और वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो सही मिलान कीजिए और सही कोड को टिक करिए। एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ऑक्टोपस किस फाइलम से बिलोंग करता है, जेलीफिश किस फाइलम से बिलोंग करता है, सिल्वर फिश, बॉम्बे डक किस फाइलम से बिलोंग करता है। अब सपोज करो सबके बारे में हमें नहीं पता है, तो कुछ के बारे में तो पता ही होगा। जेलीफिश फिश नहीं है, ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, ठीक है, ये सिलेंट्रेटा का सदस्य होता है जेलीफिश। तो क्या हमें एक उत्तर अगर मालूम हो तो क्या क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे देखिए बी का फोर है, बी का फोर बस इसमें है ऑप्शन नंबर एक में, तो यही आ गया। इसका मतलब ए का थ्री है। ये जो ऑक्टोपस है वो मोलस्का से बिलोंग कर रहा है। स्टारफिश सॉरी सिल्वर फिश आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है, ये फिश नहीं है, कीट होता है। और बॉम्बे डक आप जानते हैं मछली होती है, आइसेस से बिलोंग कर रहा है। नाउ फिर से दो आ गया आपका लिस्ट और उसको मैच करके सही कोड को टिक करिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये रेस्पिरेशन में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारा लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया होगा कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके अंदर जो ये लिक्विड फील्ड है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम थैलेकोइड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, थैलेकोइड्स कहते हैं। और इन थैलेकोइड्स के बंच को हम ग्रैनम कहते हैं, बहुत सारा है तो ग्रेना कहेंगे इस तरह से। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, लाइट रिएक्शन थैलेकोइड या ग्रेनम में होता है और जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ए का टू और बी का वन, ए का टू बी का वन, सी का थ्री और डी का फोर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। सो ए शुड बी द राइट ऑप्शन। देख रहे हैं कितना जानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड एलिमेंट इज करेक्ट। जो ब्लड एलिमेंट्स होते हैं या ब्लड सेल्स होते हैं उसके बारे में कौन सा सही है। बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज दैट द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर होगा वो व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के नंबर के बराबर होता है। द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज मोर देन द रेड ब्लड सेल्स। जो WBC की संख्या होती है वो RBC से ज्यादा होती है। फिर है द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द हाइएस्ट, नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज लोअर देन प्लेटलेट। तो पहला ऑप्शन देखो बिल्कुल गलत है। आप जानते हो कि KRBCs की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियंस पर ml ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड लेंगे तो 5 से 5.5 मिलियंस होते हैं। WBCs का नंबर कितना होता है, 6000 से 8000। When we take 1 ml of blood, then we have 6000 to 8000 WBCs. और जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 से 3 लाख के करीब होती है। 1 ml ब्लड में 1.5 से 3 लाख के करीब होती है। RBCs और WBCs का रेशियो भी मैंने आपको बताया था। RBCs और WBCs का जो रेशियो है वो होता है 600:1। ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो पहला ऑप्शन तो वाहियात हो गया। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा है, गलत हो गया। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज हाईएस्ट, यही सही है। डी ऑप्शन भी वाहियात है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिविजन। कोशिका विभाजन अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने सेशन लिया है। तो जब सेल डिविजन होता है तो उसके कई फेजेस होते हैं। एक फेज होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी मैट मैंने बताया था, ये सही सीक्वेंस है। तो सेल डिवीजन के फेजेस का, कोशिका विभाजन के अवस्थाओं का जो सही क्रम है वो है पी मैट। पी मैट बोले तो सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो प्रोफेज हो जाएगा पहला, मेटाफेज हो जाएगा चौथा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सॉरी, तो प्रोफेज मतलब तीसरा पहले आएगा ना, प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2 किधर है, डी में है, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। तो पी मैट याद रखिएगा, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सेल डिवीजन का सही सीक्वेंस है। आगे चलते हैं। Which one of the following statements regarding digestion is correct? पाचन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। Fat present in the food is digested by trypsin and chemotrypsin. भोजन में जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसका डाइजेशन ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन करते हैं। Starch of food is digested by lipase. फूड में जो स्टार्च मौजूद होता है वो लाइपेज के द्वारा पाचित होते हैं। फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, फैट का डाइजेशन लाइपेज करता है। न्यूक्लिक एसिड एमाइलेज से डाइजेस्ट होता है। देखो पहला याद रखना कि ये जो ट्रिप्सिन है, ये जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो पहला गलत हो गया। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को लाइपेज डाइजेस्ट नहीं करता, लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो फैट को डाइजेस्ट करता है कौन, लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड को अमाइलेज डाइजेस्ट नहीं करता है। अमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो ऑप्शन सी शुड बी द राइट ऑप्शन। लाइपेज लिपिड या फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज। सो लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। बोलता है कि इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं।
द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाई प्लांट्स कम्स फ्रॉम सोयल, मिट्टी से आता है। जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं पौधे वो मिट्टी से बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाई यूरिया से बनाते हैं। तो सही इसमें कौन है? ए है। ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस में निकलता है, ऑक्सीजन यूज नहीं होता। मिट्टी से तो वाटर एब्जॉर्ब होता है और यूरिया से तो कोई मतलब नहीं है, यूरिया तो नाइट्रोजन देता है। सो ए शुड बी द राइट आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट, इंसुलिन के बारे में कौन सा करेक्ट है, इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है या स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन का केमिकल नेचर प्रोटीन है, विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारे ह्यूमन में नहीं बन सकता। अब देखो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है, इंसुलिन का केमिकल नेचर प्रोटीन या पेप्टाइड है, ये सही है, लेकिन ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकता, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो, दूसरे को चेक करते हैं। इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, मैंने कहा कि जब इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, इंसुलिन हमारा प्रोटीन है तो गलत हो गया। इंसुलिन इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन, खत्म हो गया, जब मैंने कहा प्रोटीन हार्मोन है तो ये भी खत्म हो गया। नाउ इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल हमारी बॉडी में बनता है। हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगर हैंस है उसमें मौजूद जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और इंसुलिन करते क्या है आपको मालूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से दो लिस्ट आपके सामने है, दोनों को मतलब मैच करके सही कोड को टिक कीजिए। लिस्ट वन में कुछ इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स के नाम है और यहां पर उसके कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम है, इसको सही सही टिक करो। ये सब के सब कीट भक्षी पौधे हैं, आप जानते हैं सनड्यू, विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉर्ट, पीचर प्लांट, ये सब के सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, कीटों को खाने वाले पौधे हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स कीट भक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे, जैसे पीचर प्लांट, पीचर प्लांट को निपेंथिस बोलते हैं, एक्चुअली ये साइंटिफिक नेम है निपेंथिस, इसको लोग पीचर प्लांट भी कह देते हैं। यूट्रिकुलेरिया जिसको लोग ब्लैडर वॉर्ट भी कहते हैं, डायोनिया जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं, और सनड्यू जिसको हम ड्रोसेरा भी कहते हैं। तो ये मैचिंग है ये ऑलरेडी, ड्रोसेरा इज ऑल्सो कॉल्ड सनड्यू, डायोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर वॉर्ट, निपेंथिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीचर प्लांट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसके कॉमन नेम है ये, जैसे निपेंथिस, निपेंथिस को लोग पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, यूट्रिकुलेरिया को लोग ब्लैडर वॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बोलता है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, सही से मिलान किसका किया गया है, जैसे डिप्थेरिया है, निमोनिया है, लेप्रोसी है, ये सब के सब अनुवांशिक रोग हैं, हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, डिप्थेरिया, निमोनिया और कुष्ठ रोग, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब के सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, ये सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं, है ना। पोलियो, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और प्लेग, ये निमेटोड डिजीज हैं, यानी जो हेलमिन से होने वाली बीमारियां हैं, कृमि से होने वाली बीमारियां हैं, कृमि जनित रोग हैं। अब बोल रहा है कौन सही से मैचिंग है। अब देखो क्या आपको लगता है कि डिप्थेरिया, निमोनिया और लेप्रोसी ये हेरिडिटरी डिजीज है, अनुवांशिक रोग है? बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। एड्स ये वायरल डिजीज है और यहां पे क्या लिख रहा है, बैक्टीरियल है, गलत हो गया। देखो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल ये सब के सब सेक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं, जेनेटिक डिजीजेस हैं, और ये सब के सब एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारियां हैं। पोलियो, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, प्लेग, ये
आप जानते हैं कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, प्लेग बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर आपका हो गया था सी, ठीक है। एड्स वायरल डिजीज है, सबको पता है, तो बी कैसे हो सकता है। चलिए 48 पे आइए। स्टेटमेंट वन कहता है कि साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू कहता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब बोल रहा है कि सही कोड को टिक करिए। अब इसमें मैं क्या बताऊं, आप लोग ही बताइएगा। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, आप जानते हैं कि साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सो बोल रहा है कि साउंड वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है, ये निहायत ही वाहियात ऑप्शन है, गलत हो गया। वी ऑल नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। मतलब स्टेटमेंट टू तो सही है लेकिन स्टेटमेंट वन वाहियात है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। एब्सोल्यूट राइट, कीप इट अप, वेरी गुड, सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। 49 पे आते हैं। द हिंडरेंस प्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। किसी वायर से, किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने में जो दुश्वारी आती है, जो हिंड्रेंस होता है, जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टेंस। तो ये तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ही है। विद्युत धारा प्रवाहित होने में चालक के मटेरियल के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जाती है, जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसे तो प्रतिरोध कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वर डिस्कवर्ड बाई, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग साहब ने, फैराडे ने, ऑस्टिड ने, मैक्सवेल ने? आप लोग बताओ फटाफट। मैं कितना बताता रहूं? फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के लिए। फैराडे ने ईएमआई का लॉ दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करने वाले थे फैराडे, और सही उत्तर होगा एच सी ऑस्टिन। 1821 में इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की खोज की थी। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवर्स फेनोमेना। फ्लेमिंग्स ने लॉज दिए थे। ओके, नाउ द एल्यूमिनियम, सॉरी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द होल स्टैंड अप इमेज ऑफ अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर शैल बी। एक आदमी की हाइट 1.5 मीटर है, उसको किसी प्लेन मिरर में अपना फुल लेंथ इमेज देखना है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए बताओ? एक फैक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा था कि किसी व्यक्ति को अपना फुल लेंथ इमेज देखना है किसी प्लेन मिरर में, मान लिया इसकी हाइट h है, तो मिरर की हाइट कम से कम आधी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आदमी 6 फीट का है, तो मिरर की हाइट कम से कम 3 फीट की होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति किसी प्लेन मिरर में अपना फुल लेंथ इमेज देखना चाहता है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। मिरर की ऊंचाई को h मानते हैं, सॉरी आदमी की ऊंचाई को h मानते हैं, तो मिरर की ऊंचाई उसकी आधी होनी चाहिए। सो 1.5 मीटर का आदमी है,
इसको अपना फुल लेंथ इमेज देखना है तो आधा कर दो, 1.5 मीटर का आधा कितना होता है, 0.75 मीटर। तो किसी व्यक्ति को किसी समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है वो, तो दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है जी। चलो जाते जाते मैं बता दूं, क्रिसमस ऑफर का आज रात 12 बजे जो है वो अंत हो जाएगा। हमारे जो दोनों कोर्सेज हैं CDS के लिए और OTA के लिए, CDS का जो बैच है वो आ रहा था 3499 में, वो 2499 में मिलेगा आज रात 12 बजे तक। OTA का बैच 2999 में जो था वो 1999 में मिल रहा है, और इन पे भी आपको 10% डिस्काउंट इस कोड को अप्लाई करने पर मिल रहा है। जैसे हमारा 2499 का जो बैच है उसमें भी 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस कोड को अप्लाई करने पर। ये 1999 में भी 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को अप्लाई करने के बाद। तो इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाइए, इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। डेमो तो बहुत पहले बंद हो चुके हैं, एडमिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं ढेर सारे, और बहुत बढ़िया अंदाज में क्लासेस चल रही है। हमारे पेड बैचेस के भी बच्चे होंगे इसमें, वो बताएंगे कि कितना मजा आ रहा है बच्चों को। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मंडे को 2 बजे एक टॉपिक लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तो आप जानते हो कि मंडे टू फ्राइडे हमारा 2 बजे होता है थ्योरी का सेशन, और सैटरडे या संडे में हम लेकर आते हैं आपके लिए MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। तो सेशन कैसा लगा एक बार आप लोग बताइए, और फिर हम लोग इजाजत चाहेंगे। और एक बार सभी को मैरी क्रिसमस हमारी तरफ से, बहुत बहुत बधाइयां। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। सर्दियों से बचकर रहिएगा और ओमिक्रॉन से भी बचकर रहिएगा, लापरवाही नहीं करनी है अभी। नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को 2 बजे, उसमें हम थ्योरी का सेशन लेके आएंगे और उसमें पढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।